करेंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी दी गई है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उन्हें धमकी मिली है। एक वायरल ऑडियो सामने आया है जिसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। पप्पू यादव को धमकी दी गई है। लॉरेंस के खिलाफ बयान नहीं देने के लिए कहा गया। लफड़े में पड़ने से बचने की सलाह दी गई। बड़ा भाई बनकर ही रहे तो अच्छा है। पप्पू यादव ने खुद ही इस ऑडियो को जारी किया है। इस ऑडियो को आपको भी सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता दें। इस वायरल ऑडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पिए हूँ साहब का। पिए हैं साहब का? जी जी पप्पू यादव जी जी एमपी साहब के। बताइए ना, बताइए मालिक, बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है, गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना, सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ, किसी के खिलाफ, किसी के सही चीज के खिलाफ, जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई नहीं कोई दुश्मनी ऊपर वाला देखिए एक बार जानिए। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण पूर्णिया से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। क्या कुछ है ये पूरा मामला, प्रवीण पूरी जानकारी दें, ये वायरल ऑडियो कब का है? जी ये वायरल ऑडियो को खुद सांसद पप्पू यादव ने ही जारी किया है, और जो उसमें सुना जा रहा है कि खुद को उधर से वो कह रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आदमी है, और सांसद पप्पू यादव से वो कह रहे हैं कि आप मेरे बड़े भाई के समान हो, बड़े भाई बनकर रहो, आप इस लफड़े में क्यों पड़ रहे हो, इस बीच में क्यों आप कुछ भी बोल रहे हो। तो उस पर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि ये पॉलिटिकल मामला है और हम लोग पॉलिटिकल ट्वीट करते हैं, लेकिन उधर से धमकी दी जाती है और कई तरह से धमकी दी जाती है। हालांकि इस बाबत हमने पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय के शर्मा से भी बात की, और तो उन्होंने कहा कि अभी तक उनकी जानकारी में नहीं है, लेकिन वह इसका पता कर रहे हैं और क्या मामला है। हालांकि इधर पिछले कई बार से पप्पू यादव सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, चूंकि जब से ये लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ ट्वीट किए हैं तब से इस तरह की धमकी की बातें सामने आ रही है, और अभी ये ऑडियो और वीडियो सांसद पप्पू यादव ने खुद रिलीज किया है और उन्हें जिस तरह से धमकी दी जा रही है ये काफी गंभीर मामला है, क्योंकि वो एक पूर्णिया के सांसद हैं और 6 बार सांसद रह चुके हैं और काफी बड़े नेता भी हैं और हर जगह जाते रहते हैं, इसलिए जिस तरह की धमकी मिल रही है ऐसे में कई बड़ा सवाल उठता है और जरूरत है कि ये सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। जी वाकई प्रवीण देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या इस मामले को लेकर पूर्णिया सांसद की तरफ से पुलिस में भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी या नहीं।